वंदे मातरम मित्रों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। प्रश्न आता है, भारत की जनता यह जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि भारत जोड़ो का तात्पर्य क्या है। आपको यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि भारत को जोड़ो ऐसा कौन सा चीज टूट गया है, टूटा हुआ है, जिसे आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या मात्र आपका यह चुनावी स्टंट है। अभी चुनाव होंगे आगे आने वाले साल में और सीधे पीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। यदि यह मंशा है और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो यदि स्पष्ट होनी चाहिए। जोड़ने तोड़ने की यदि बात करते हो तो एक घटना, बहुत बड़ी घटना स्मरण में है, आपको भी स्मरण कराना चाहता हूं। आप साथ ही साथ इस छायाचित्र पर भी एक बार अपनी दृष्टिपात करें और ध्यान मिलाएं। 15 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन बोल रहा हूं, यानी जब देश टूटा, सीने पर दरार पड़ी और वो हमेशा के लिए एक घाव बन गया जो कभी नहीं ठीक होने वाला है। इसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट किस पर जाता है, हो सकता है उसका भी आप पश्चाताप कर रहे हो, तो इसे भी स्पष्ट करें। तो ये भारत जोड़ो यात्रा किस लिए? और वैसे तो भाई कई अन्य संगठन हैं जो अखंड भारत का संकल्प लेकर काम कर ही रहे हैं, तो फिर भी ये भी करी क्या उसी का कि अपना नया कोई एक नया वर्जन प्रस्तुत कर रहे हैं आप? अखंड भारत, हाँ, भारत अखंड हो, इसका भी यदि प्रयास है तो ऑलरेडी ये काम पहले से चल रहा है। तो मन में, लोगों के अंदर में बहुत प्रकार, किस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं या आपको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। कुछ और एक दो छायाचित्र और भी देख लें जो सर्वसाधारण को उपलब्ध है, आपके पास भी हो सकता है। मैंने तो बस ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है कि एक बार आपको अच्छी तरह स्मरण हो जाए। और ये बता दूं कि भारत की जनता इस प्रकार के हवा में उड़ने वाले नहीं हैं, अपने स्वविवेक से निर्णय करते हैं और वोट उसे ही देते हैं जिसे मिलनी चाहिए। एक नए भारत के निर्माण के लोग लगे हुए हैं, यही कल्पना है, सभी को यही मंशा होनी चाहिए। और अब ये खेल और दिग्भ्रमति वाला खेल बंद होनी चाहिए। अब इस प्रकार की ऐसी कोई बातें नहीं रह गई है, लोग इस पे बरगलाने वाले नहीं हैं। जय हिंद।